रेलवे प्रशासन द्वारा थाना शाहगंज के कई क्षेत्रों में मकान ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जाने के बाद से माहौल गर्माता नजर आने लगा है। सड़कों पर बैठे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग शुक्रवार को रुई की मंडी निवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मकानों को तोड़े जाने के आदेशों को निरस्त करने की मांग उठाई। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को ज्ञापन सौंप न्याय संगत न्याय की मांग उठाई। आगरा जनपद में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट होकर एमजी रोड पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं देखते ही देखते ये सभी प्रदर्शनकारी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। एमजी रोड पर जुलूस निकालते हुए जैसे ही लोग कलेक्टर में दाखिल हुए तो वहां के मौजूद अन्य लोग अचानक इतनी भीड़ देखकर चौंक उठे। हाथों में प्रदर्शन और अपने आक्रोश को व्यक्त करने की दिशा में तख्ती लिए लोग जमकर नारेबाजी करते हुए दिख रहे थे। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फरियाद लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं इसी मौके पर मौजूद रहे भाजपा ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव रजावत ने लोगों की समस्याओं को जाना और उनके हक के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहने की बात कही। कुछ रेल अधिकारी हैं जो रेल विभाग के, उन्होंने पुल जो प्रस्तावित था 14 जून 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था। हम सब लोगों का यही कहना है कि आप वहाँ जो पुल प्रस्तावित था उस पुल को बनाइए, जनता पूर्णतः सहयोग करेगी। लेकिन कुछ अधिकारियों की मानसिकता, कुचित मानसिकता के अधिकारी जिन लोगों ने इस पुल को इधर ट्रांसफर किया, 400 परिवारों का घर, पुरानी वाल्मीकि वाटिका, पुराना जो 250 साल का सनातनी परंपरा का जो मंदिर है, जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जो भगवान वाल्मीकि हैं जिन्होंने सामर्थ्य दिया लवकुश को, ऐसे वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, तो उसको तोड़ने का काम अगर किया जाएगा तो अधिकारियों को चेतावनी देने आए हैं। ये जनता की सरकार है और जनता के सबसे बड़े प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जो जनता के द्वार, जनता की सरकार, जनता के आशीर्वाद से सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी को भी पत्र दिया है और जिलाधिकारी माधव से मांग किया कि ये पुराना प्रस्तावित है, जहां कोई भी अतिक्रमण को नहीं हटाना पड़ेगा, कोई किसी को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, वो प्रस्तावित है, आप बनाइए। लेकिन अगर कुछ आश्वासन है, डीएम साहब ने कहा है कि उचित जाँच होगी, जाँच तक लोगों को कहीं व्यवधान नहीं आएगा। दरअसल मैं आपको बताते चले कि ये सभी लोग रुई की मंडी क्षेत्र से आए थे। रेलवे ने इन्हें मकान तोड़ने के लिए नोटिस जारी की। रेलवे रोड द्वारा शाहगंज तहसील रोड से बयाना रेलवे लाइन को पार करते हुए एक ऊपरगामी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। इसके निर्माण की जद में वाल्मीकि बस्ती, त्यागी गली समेत कई मंदिर भी आ रहे हैं। वहीं इस प्रस्ताव से नाखुश हुए क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पीड़ितों को न्याय के लिए इसके लिए फरियाद लगाई, साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव की जमकर निंदा की। और ये सारी जो भीड़ वाल्मीकि समाज की आई है, उसके प्रतीक हैं हम सारे लोग प्रतीक हैं, या सारे लोग प्रमुख लोग उपस्थित हैं। जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई है और हमने जिलाधिकारी से कह दिया है कि जो जहां पहले शिलान्यास हुआ था, डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा जो शिलान्यास किया गया था, वहां किसी को आपत्ति नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसी जगह पर से उस पुल का निर्माण कराया जाए। दूसरी बात ये कि हमने कहा जिलाधिकारी महोदय से कि रेलवे सरकार का जो है 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमारा 4000 करोड़ रुपए के जो नुकसान हो रहा है, इसे कभी कदाचित सहन नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज तो बिल्कुल ही नहीं सहन करेगा और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पहले पुल दूसरी जगह प्रस्तावित था, अब नई जगह पर बनाया जा रहा है। यदि यहां पुल बनाया गया तो 200 वर्ष पुराने कई मंदिर और करीब 1000 से अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस समस्या को लेकर डीएम नवनीत सिंह चहल के समक्ष रखा। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने अवगत कराया, भारी संख्या में हमारी जनता है वहां मौजूद थी और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है अगर सही मायने में, जैसा कि बोला जाता है कि वाल्मीकि समाज के साथ हम लोग किसी तरह का अत्याचार होने नहीं देंगे, अगर आज हम लोग जिंदाबाद करने का काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है अगर किसी गरीब का मकान तोड़ा गया तो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो कानून मंत्री हों प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, उनका ही पुतला भुगने का काम किया जाएगा और इनके घरों की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अगर किसी वाल्मीकि समाज का मकान टूटता है तो वो दिन दूर नहीं होगा कि सरकार को भी हम धूल चढ़ाने का काम करेंगे। और हमें आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पर हमारा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का, हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, अगर उसके साथ भी किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वो दिन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को भी कि वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों को भी हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे कि तानाशाही वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वहाँ पर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग 250 साल से पर रह जा रहा है, मेरी उम्र 81 साल की है, मेरी पैदाश भी मैं की है, ये लैन तो वाकई में ये बाद में आई है, ये लैन तो बाद में आई है, हमारे बुजुर्गों ने इस लैन के ऊपर मिट्टी डाली थी, हमारे बुजुर्गों ने इस लैन के ऊपर मिट्टी आई थी। अब ऐसा हुआ इस सरकार ने या रेलवे ने जो कि हमारे घर मकानों के लिए आए और पुलिस भी आई और नोटिस छपा के चले। सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे पीड़ितों ने जिलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने का काम किया। वहीं शुक्रवार को रेलवे प्रशासन द्वारा
ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जाने से घबराए लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले का संज्ञान अवश्य लिया जाएगा। इसी को देखते हुए उनके द्वारा इस प्रकरण में एडीएम सिटी को जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, आज रुई की मंडी शाहगंज आगरा से संबंधित वहाँ के क्षेत्र निवासी कुछ यहाँ पर आए हैं और अपनी बातें कुछ अपनी एक ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं, जिसमें रेलवेज डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऊपरगामी रेल सेतु जो निर्माण कराया जा रहा है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी कुछ आबादी का क्षेत्र आ रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने अपना एक ज्ञापन अपना एक प्रत्यावेदन दिया है। तो एडीएम सिटी साहब इस प्रकरण को पहले से देख रहे हैं, रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय करके और आप सभी की जो ज्ञापन में लिखी हुई बातें हैं उनका परीक्षण किया जाएगा और आगे जो नियमानुसार विधि अनुकूल जो कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एडीएम सिटी जो है शहरी क्षेत्र में जिनका क्षेत्राधिकार है वो इस मामले को संज्ञान में लेके जानकारी ले रहे हैं पूरी, और रेलवेज़ के डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड इशू है तो रेलवेज़ के ऑफिसर से भी इसमें जानकारी लेनी आवश्यक है और सभी लोगों का पक्ष लेना भी आवश्यक है। तो आज जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसमें आगे पूरी जानकारी लेने के बाद और फिर कोई भी स्टेप है वो लिए जाएंगे। लोगों ने बताया कि रेलवे द्वारा आगरा की रुई की मंडी बाल्मीकि बस्ती में रहने वाले दर्जन लोगों को मकान तोड़ने के नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी लोग नोटिस लेकर डीएम के पास पहुंचे थे, हाथों में तख्तियां लेकर बच्चे भी जुलूस में शामिल थे। तख्तियों पर लिखा था कि हमारा घर टूटने से बचाएं, घर टूट गया तो हम कहां रहेंगे, हमारे परिवार को बेघर ना किया जाए। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अपने मकानों को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। जब दूसरे स्थान पर पुल बनाया जा सकता है तो वर्षों से बसी बस्ती को क्यों उजाड़ा जा रहा है।